नमस्कार, देश की आवाज कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती सांगवान। आज हम बात करेंगे हरियाणा के सबसे गर्म मुद्दे की, क्या चौटाला परिवार को फिर से एक हो जाना चाहिए। हमें जल्द हरियाणा की राजनीति में एक बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। चौटाला परिवार के टूट जाने पर कई ऐसे कयास हैं जो लगाए जा रहे हैं कि शायद चौटाला परिवार एक बार फिर से एक हो जाएगा। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि इस परिवार ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, लेकिन फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर वजहें क्या रही, क्यों रही। लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही ये परिवार एक हो जाएगा। खाप पंचायतों की माने तो जल्द ही दोनों परिवार एक हो सकते हैं। पिछले काफी दिनों से खाप पंचायतें चौटाला परिवार को एक करने की कवायद में जुटी हैं। अब देखना होगा कि खाप पंचायतों की मेहनत रंग ला पाती है कि नहीं। ऐसे में कई बड़े सवाल हैं जो उठते हैं। तो हरियाणा की राजनीति में एक बड़ी हलचल तब पैदा हुई थी जब चौटाला परिवार दो हिस्सों में बट गया था और दो पार्टियों में पार्टी बदल गई थी। तो ये घटनाक्रम हरियाणा की राजनीति के लिहाज से नया था और एक पार्टी दो पार्टियों में तब्दील हो गई। एक परिवार टूट गया, एक पार्टी टूट गई और एक नई पार्टी जेजेपी का गठन भी हो गया। अब सवाल ये उठता है कि कितने ऐसे सवाल हैं जो इस घटना के बाद खड़े हो गए हैं। आज का सवाल, क्या फिर से एक हो सकता है चौटाला परिवार? खाप पंचायतों की मेहनत क्या रंग ला पाएगी? बड़ा सवाल है। चौटाला परिवार को एक कर पाएंगे बादल? बादल परिवार से चौटाला परिवार के हमेशा ही अच्छे संबंध रहे हैं। क्या जेजेपी का इनेलो में विलय हो जाएगा? बड़ा सवाल है ये भी। इनेलो जेजेपी में क्या गठबंधन हो सकता है? एक ही पार्टी से बनी दो पार्टियां क्या अब गठबंधन कर लेंगी या परिवार के साथ पार्टियां भी एक हो जाएंगी? बीजेपी को मात दे पाएगा चौटाला परिवार? क्या फिर से एक हो पाएगा चौटाला परिवार? आज के सवाल आपके सामने हैं। हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। अचानक ही चौटाला परिवार, जो कि चुनाव की तैयारियों में था, विधानसभा चुनाव नजदीक थे, लोकसभा चुनाव नजदीक थे और उससे ठीक पहले अचानक ही परिवार बिखर गया। परिवार अलग हुआ, इनेलो से एक नई पार्टी निकल आई, जेजेपी, और उसके बाद इनेलो के कई नेता इनेलो का दामन छोड़ गए। हालांकि जेजेपी से भी कद्दावर नेता, हालांकि नई नेता थी लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ा था, स्वाति यादव भी जेजेपी को अलविदा कह गई। उस लिहाज से दोनों ही पार्टियों के कई नेताओं ने अपनी पार्टियों को छोड़ा। कई ऐसे विपक्षी हैं जो अपनी पार्टियों को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन हरियाणा की राजनीति में इनेलो एक पुरानी पार्टी है, जेजेपी नई पार्टी है, लेकिन दोनों ही पार्टियों में समानता ये है कि दोनों में ही एक ही परिवार के कुछ कुछ सदस्य शामिल हैं। इनेलो से निकलकर जेजेपी बनी, लेकिन उसके बाद से एक नया प्रयास शुरू किया गया खाप पंचायतों की तरफ से कि अब दोनों पार्टियों को एक किया जाए। खाप पंचायतों ने अभय सिंह चौटाला से मुलाकात की और इस मौके पर अभय चौटाला ने पूरी जो बात है वो खाप पंचायतों के खेमे में छोड़ी। उन्होंने कहा कि जो पंचायतें फैसला करेंगी वो उन्हें मंजूर रहेगा, लेकिन अभी तक ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि क्या ये परिवार फिर से एक होगा। बादल परिवार और चौटाला परिवार का रिश्ता बहुत पुराना है। हर चुनाव में बादल परिवार हरियाणा की राजनीति के लिहाज से इनेलो का ही साथ देता रहा है। उस लिहाज से, राजनीतिक लिहाज से तो इनकी दोस्ती है ही, पारिवारिक रिश्ते भी काफी प्रगाढ़ हैं। हर शादी समारोह जैसे कार्यक्रमों में दोनों परिवार एक साथ देखे जाते हैं। अब बादल परिवार का दखल भी इस मामले में सामने आया है। बादल परिवार भी चाहता है कि दोनों एक बार फिर से मिल जाएं, यानी कि दो भाई हैं अजय चौटाला और अभय चौटाला, दोनों ही अलग हो गए हैं और दो अलग पार्टियों का निर्माण हुआ है और इन परिवारों को फिर से एक करने का प्रयास खाप पंचायत कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब सवाल ये उठता है कि क्या ये दोनों पार्टियां फिर से एक हो जाएंगी या दोनों पार्टियों में कोई गठबंधन होगा, या जिस तरीके से दोनों परिवार अलग हुए थे और दो पार्टियां बनी थी, फिर से एक ही पार्टी बन जाएगी? कई ऐसे सवाल हैं जो इस पूरे घटनाक्रम के बाद उठते हैं। देश की आवाज़ में आज का मुद्दा आपके सामने है, आज के सवाल आपके सामने हैं। हमें कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए और बताइए कि आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं। देश की आवाज़ में आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, हमें कॉल करें, अपनी राय दें। दिनेश नरवाणा से पहले कॉलर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, क्या कहना चाहते हैं, क्या लगता है, क्या चौटाला परिवार एक बार फिर से एक हो सकता है? नमस्ते जी। जी नमस्ते, स्वागत है खबरें अभी तक पर, अपनी राय दें। वो ऐसा है जी, क्या बादल साहब का भाई बादल साहब के साथ रहा था, आज बादल साहब का भतीजा कहाँ है? पहले बादल साहब अपने परिवार के बारे में तो बात करता है,
और फिर रही चौटाला साहब के परिवार की बात, चौधरी देवीलाल जी के टाइम में तीनों भाइयों को इन्होंने चौटाला साहब ने दूर कर दिया था राजनीति से, अब आपस में चलती रहती है। अब मैडम जी मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि ओम प्रकाश चौटाला जी जब चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने 6000 कर्मचारी यानी कि 5-6 एक्सपोर्ट कारपोरेशन MITC कॉन्फेड में से छटनी कर दी, महकमे बंद कर दिए थे, क्या उस टाइम खापे कहाँ गई हुई थी इनकी? हम क्या इनके बच्चे नहीं थे खपों के है? जब हमारी रोटी छीन ली थी, अरे आज दे इनकी आपस में कुछ बात नहीं, खापों ने इंटरेस्ट किया, इनके परिवार में कोई झगड़ा है प्रॉपर्टी का या कोई ब्याह शादी में लेने का, उसमें तो लेना चाहिए, राजनीति के अंदर खापों ने दखल नहीं देनी चाहिए। यानी कि खाप पंचायतों ने जिस तरीके से राजनीतिक दखल दिया है उससे आप खुश नहीं है दिनेश जी? बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपनी राय देने के लिए। दिनेश थे नरवाना से और इनका कहना है कि खाप पंचायतें पारिवारिक झगड़ों को निपटाती हैं, राजनीतिक झगड़े कब से निपटाने लगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सुरेश इनका नाम है, कैथल से फोन कर रहे हैं। जी सुरेश स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर, बताइए क्या राय रखते हैं, क्या लगता है खाप पंचायतों ने जो प्रयास किया है चौटाला परिवार को एक करने का उसमें सफल होंगे? जी बताइए। चौटाला परिवार जब अलग हो चुका है, अगर एक भी होते हैं तो शहर में वोट चौटाला परिवार के एक होने से नहीं मिलेंगे। जी जी सुरेश बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। अमरजीत हैं जीन से हमें फोन कर रहे हैं। जी अमरजीत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर, बताइए क्या राय रखते हैं। नमस्कार मैम। जी बताइए अमरजीत कौर जी। मैम मैं ये कहना चाहती हूँ जी, अनेरे वाले और JJP वाले अगर एक साथ आना चाहते, खाप पंचायत जो है एक साल पहले कहाँ गई थी जब JJP अलग हुई थी, अनेरे जो नई सरकार बनी थी, और मैं ये भी कई याद दिलाना चाहती हूँ अनेरे सरकार पंचायत से पार्टी को कि 2003-04 में जो किसानों पर गोलियां चली थी, जो दहशत जो हमने झेली थी 1.5 महीने तक, हमारे घर में खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचा था उस वक्त, हम वहीं से बिलोंग करते हैं। क्या मैं लोग चाहती है कि वो दोबारा सत्ता में आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी। जो किसानों का मुद्दा उठाते हैं उस वक्त भी तो किसानों पर ही गोलियां चलवाई थी इन्होंने, जबकि हमारे पास दाना पानी कुछ भी नहीं बचा था, चाय चीनी भी नहीं बची थी उस वक्त 1.5 महीने तक। जो शहर आए हुए थे वो शहर रह गए थे, जो गाँव में थे बच्चे वो गाँव में ही रह गए थे, तो घर आने के लिए भी रास्ता नहीं था और बाहर जाने के लिए भी रास्ता नहीं था, तो हमने कितना दुख झेला था उस वक्त। क्या वो दहशत था हमारे दिल से निकल गई? नहीं निकली। और जो अब ये पीछे दंगे हुए थे, जाट आंदोलन जो हुआ था, हमारे मन में दोबारा से वही डर पैदा हो गया था कि 2003-04 का जो झगड़ा है वो दोबारा से ना हो जाए, वो डर हमारे मन में आज भी पैदा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें फोन करने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। अमरजीत कौर थी जीन से और इनका कहना है कि खाप पंचायतें उस वक्त कहाँ गई थी जब किसानों पर गोलियां चलवाई गई थी, खाप पंचायत की इस भूमिका से नाराज नजर आती हैं। खाप पंचायत ने प्रयास किया है कि इनेलो और JJP को एक किया जाए और अब सवाल ये उठता है कि क्या ये प्रयास सफल हो सकता है। एक और कॉलर जुड़े हैं, आदित्य इनका नाम है, गुरुग्राम से फोन कर रहे हैं। जी आदित्य बताइए क्या राय रखते हैं, क्या फिर से एक हो सकता है चौटाला परिवार? कि चौटाला परिवार को जो है खाप पंचायतें जो जो मिला रही हैं, खाप पंचायतों को सारी खाप पंचायतें मिला रही होंगी, जो चौटाला परिवार के समर्थक खाप पंचायतें वो मिला रही होंगी, क्योंकि खाप पंचायतों का किसी गांव की पंचायतों का ये काम नहीं है कि चौटाला परिवार को कृषि राजनीति के क्रम में, उनका काम है गांव की संस्कृति, गांव की सुरक्षा और गांव के लोगों की भलाई आपस की को करना। और ये चौटाला परिवार कब से खाप पंचायतों का हमदर्द होगा? अभी चौटाला ने तो इससे केजरीवाल से हाथ मिलाया था, अभी लोकसभा के केंद्र सरकार की चुनाव में केजरीवाल पाकिस्तान परस्त है, उन्हें क्या सबको पता नहीं है केजरीवाल का क्या, और उसकी पार्टी के रवीश कुमार है मैक्सेसे अवार्ड लिए घूम रहे हैं और सब ये सब देश विरोधी गतिविधियों को मिलता है, और ज्यादातर खाप पंचायत लोग सेना में तो सेना का खाप पंचायत क्या सेना विरोधी काम कर रही है क्या? तो खाप पंचायत सोचना समझना चाहिए कि चौटाला परिवार एक देशद्रोही परिवार को केजरीवाल का साथ दे रहा है, तो उनको सोच समझ के काम करना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आदित्य हैं एक दर्शक हैं गुरुग्राम से और इन्हें ये लगता है कि खाप पंचायतों का राजनीतिक दखल कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं मानते, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां गठबंधन करती रहती हैं, अलग अलग विचारधाराएं इन पार्टियों में आती जाती रहती हैं।
और इन्हें लगता है कि खाप पंचायतों का यह दखल कहीं ना कहीं इन्हें ठेस पहुंचाता हुआ प्रतीत हो रहा है। आज का मुद्दा आपके सामने है, आज के सवाल आपके सामने है, बीजेपी को मात दे पाएगा चौटाला परिवार? और बड़ा सवाल ये है कि एक पार्टी से टूटकर दो पार्टियां बनी, परिवार के कलह जन जन तक पहुंची और फिर दो पार्टियां हो चुकी हैं और अब खाप पंचायतों की तरफ से एक बड़ा प्रयास किया गया है कि परिवार को एक किया जाए। जहां तक खाप पंचायतों का मामला है या पंचायतों का मामला है, हरियाणा की संस्कृति में देखा जाता है कि पंचायतें अक्सर भाई भाई के झगड़े को निपटाने का काम करती हैं। अगर इसे उस नजरिए से देखा जाए तो ये एक महत्वपूर्ण और अच्छा प्रयास कह सकते हैं, लेकिन राजनीतिक तरीके से जब इसे देखा जाता है तो कई सवाल हैं जो उठ खड़े होते हैं। इनेलो और जेजेपी में क्या गठबंधन हो सकता है, बड़ा सवाल है। क्या परिवारों को एक कर पाएंगे बादल, ये भी एक बड़ा सवाल है। और आज जिस तरीके से हालात हैं उसमें ये भी बड़ा सवाल है कि बीजेपी हरियाणा में मजबूत है, अगर चौटाला परिवार एक हो जाता है तो क्या बीजेपी को टक्कर देने में सक्षम साबित होगा? तमाम सवाल आपके सामने हैं, आज का मुद्दा आपके सामने है, हमें कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए और बताइए कि आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या राय रखते हैं। देश की आवाज में मुद्दा साफ है, जेजेपी और इनेलो आज हरियाणा में दो पार्टियां हैं, एक ही परिवार के लोग इन दोनों पार्टियों में हैं। अभय चौटाला और अजय चौटाला दोनों भाई हैं, अजय चौटाला बड़े भाई हैं, अभय चौटाला छोटे भाई हैं। इन दोनों में ही अब ये पार्टी बटकर रह गई है। अजय चौटाला, उनकी पत्नी और उनके बेटों ने जेजेपी का गठन किया और वहीं इनेलो में रह गए थे अभय सिंह चौटाला, उनके बेटे और उनके विधायक। इन तमाम चीज़ों की अगर हम बात करें तो ये लोकसभा चुनाव से पहले की घटनाक्रम है। लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों ने एक दूसरे पर तंज कसे और आज हालात ये है कि खाप पंचायतें इस परिवारों को एक करने में जुटी हैं। करणवीर यमुनानगर से हमें फोन कर रहे हैं। जी करणवीर, क्या राय रखते हैं, क्या लगता है जिस तरीके से पंचायतों ने प्रयास किया है, बादल परिवार ने प्रयास किया है, चौटाला परिवार एक हो सकता है? जी हाँ, चौटाला परिवार एक हो जाए तभी जाकर बात बनेगी। जी हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। मलहान सिंह सिरसा से हमें फोन कर रहे हैं, एक और कॉलर जुड़े हैं। जी क्या राय रखते हैं मलहान सिंह, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ और अब पंचायतों ने प्रयास किया है कि इन परिवारों को एक किया जाए, क्या कहेंगे? हम चाहते हैं कि ये इकट्ठे हो जाए आज ही। जी हाँ जी, क्या जी अपना अपने फोन से ही मेरी आवाज सुनिए और अपना जवाब दीजिए। हम चाहते हैं कि ये सारे इकट्ठे हो जाए आज ही। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज के सवाल आपके सामने हैं, पूरा घटनाक्रम आपके सामने है कि कैसे इनेलो पार्टी में फूट पड़ी और उसके बाद एक नई पार्टी जेजेपी का गठन हो गया लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। और इस पार्टी ने पहले जेजेपी ने जींद का उपचुनाव लड़ा, लोकसभा चुनाव लड़े और अब आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। वहीं अगर इनेलो की बात करें तो इनेलो भी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। ऐसे में खाप पंचायतों की तरफ से प्रयास किया गया है कि दोनों परिवारों को एक किया जाए। हरियाणा की संस्कृति के लिहाज से पंचायतें अक्सर भाई भाई का झगड़ा सुलझाती हैं या ऐसे कोई भी पारिवारिक मसले हों जो पंचायतों तक पहुंचे तो उन्हें सुलझाने का काम अक्सर किया जाता है। अंबाला से एक कॉलर जुड़े हैं, वीर इनका नाम है। जी वीर बताइए, क्या राय रखते हैं, क्या लगता है चौटाला परिवार एक हो सकता है? एक हो सकता है जी, क्यों लगता है आपको ऐसा कि एक हो सकता है? नहीं होना चाहिए जी एक परिवार। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें फोन करने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो आज का मुद्दा आपके सामने है, जेजेपी और इनेलो आज दो पार्टियां हैं लेकिन कभी एक ही पार्टी में हुआ करते थे, एक ही परिवार के लोग हैं और आज स्थिति यह है कि खाप पंचायतें मध्यस्थता के लिए आगे आई हैं ताकि अजय चौटाला और अभय चौटाला को फिर से एक किया जा सके, फिर से एक परिवार हो, फिर से एक पार्टी हो। राम सचदेवा है कुरुक्षेत्र से हमें फोन कर रहे हैं। जी राम सचदेवा जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर, बताइए क्या राय रखते हैं? नमस्कार जी। नमस्कार, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ जो परिवार अब तक नहीं जुट सका, मतलब खाली इलेक्शन करके वो हो सके वो जुट जाए, ये नहीं हो सकता। कत्तर जिस घर में कलेश हो जाए वो घर परिवार ही उजड़ जाता है, वो परिवार ही खत्म हो जाता है। मैं तो कहता हूँ परमात्मा कृपा से आपस में इकट्ठे मिल जाए, भाई भाई होते हैं, लेकिन फिर भी
जो मतलब जिस घर में क्लेश हो जाए वहाँ घर की खत्म उतर जाता है, घर ही क्लेश खत्म हो जाता है। खाली चुनाव के लिए अगर इकट्ठे हो तो वो ठीक नहीं है। हर चीज की कोई गुंजाइश होती है वो होती है, लेकिन मुझे नहीं होगी जो अब तक नहीं मिल सके, खाली चुनाव के लिए अगर इकट्ठे मिले तो मतलब ये नहीं हो सकता। नमस्कार, जय जय भारत, धन्यवाद जी। जी राम सचदेवा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। आज का मुद्दा आपके सामने है, जेजेपी और इनेलो दो पार्टियां हैं। खाप पंचायतों ने प्रयास किया है कि परिवार की फूट को खत्म किया जाए, भाइयों भाइयों का झगड़ा सुलझाया जाए और दोनों पार्टियां एक हो जाएं। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, जितेंद्र इनका नाम है, फरीदाबाद से फोन कर रहे हैं। जी जितेंद्र, बताइए आप क्या राय रखते हैं, क्या लगता है, क्या चौटाला परिवार को एक हो जाना चाहिए? मैं चाहता हूँ कि जो खाप पंचायत के द्वारा एक सराहनीय कदम रखा गया है, एक बहुत अच्छा कदम है कि चौटाला परिवार को एक होना चाहिए। जो किसानों की आज की डेट में जो उनकी मांगे नहीं स्वीकार की जा रही है सरकार के द्वारा, तो खाप पंचायत का यही एक किसानों का ये है कि उनकी बातें सुनी जाए। तो वही एक चौटाला सरकार ऐसी है जो किसानों के हित की है और वही एक हरियाणा के किसानों का मसला हल कर सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें फोन करने के लिए, अपनी राय हम तक पहुँचाने के लिए। तो आज का मुद्दा आपके सामने है, जेजेपी और इनेलो दो पार्टियां हैं, एक ही परिवार के सदस्य इन पार्टियों में हैं। अजय चौटाला, अभय सिंह चौटाला दोनों भाई हैं, दोनों भाइयों की अगर बात की जाए तो अब दो पार्टियों में हैं और खाप पंचायतों की तरफ से प्रयास किया गया है कि चौटाला परिवार को एक किया जा सके। वहीं अगर बात की जाए ओपी चौटाला की, वो जेल में हैं। अजय सिंह चौटाला भी जेल में थे, बीच बीच में जमानत पर आते रहे हैं। अब स्थिति ये है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, उस लिहाज से खाप पंचायतों ने प्रयास किया है कि दोनों परिवारों को एक किया जाए। यही मुद्दा है कि क्या दोनों परिवारों को एक हो जाना चाहिए, और अगर दोनों परिवार एक हो जाते हैं तो क्या लगता है जिस तरीके से बीजेपी हरियाणा में मजबूत होती जा रही है, क्या उनको टक्कर दे पाएंगे? हरी राम जिन से हमें फोन कर रहे हैं, जी हरी राम जी, क्या राय रखते हैं, क्या लगता है, क्या चौटाला परिवार एक हो सकता है, और अगर एक हो जाता है तो क्या हरियाणा में बीजेपी को टक्कर देने में सक्षम होगा, क्या कहेंगे? जेजेपी ने जो मैडम अपनी इमेज बनाई थी ना जी, और इनके मिलने से इमेज खराब होगी, फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा जी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें फोन करने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। इस वक्त सिरसा से कॉलर जुड़े हैं, सुभाष इनका नाम है। जी सुभाष, बताइए क्या कहना चाहते हैं, क्या लगता है, क्या चौटाला परिवार को एक हो जाना चाहिए, और अगर ये एक हो जाते हैं तो क्या हरियाणा में बीजेपी को टक्कर देने में सक्षम होंगे? चौटाला परिवार को एक होना चाहिए, लेकिन इस चुनाव में ये टक्कर नहीं दे सकेंगे और ये एक नहीं हो सकते, क्योंकि दुष्यंत चौटाला के दिमाग में मुख्यमंत्री की कुर्सी आ गई है और मुख्यमंत्री की कुर्सी एमएलओ से मिलती है, और दिग्विजय सिंह और दुष्यंत चौटाला जो है कभी भी एक नहीं होने देंगे, और इसलिए इस परिवार का राजनीतिक रूप से इतना नुकसान हो चुका है कि जो कि चौधरी देवीलाल की 70 साल की कमाई को इन बच्चों ने बिल्कुल खत्म कर दिया है, और खास करके वो वर्कर जो 40 साल से इनके साथ जुटे हुए थे वो मन महसूस के आज घर के अंदर बैठे रो रहे हैं, और जिन लोगों ने अपनी जेबों से पैसे लगाए हैं, रैलियों में गए हैं, जलसों में गए हैं, जुलूसों में गए हैं, गांवों में दुश्मनियां पैदा कर ली हैं, उन लोगों को आज पूछने वाला कोई नहीं रहा। इन दोनों परिवारों ने लड़ाई से वर्कर का ऐसा नुकसान कर दिया है कि चौधरी देवीलाल की हुई सारी की सारी कमाई इन लोगों ने खत्म कर दी है और उन वर्करों का नाश कर दिया जो इनके लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। धन्यवाद जी सुभाष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। सुभाष हैं सिरसा से और खुद ये इनेलो के वर्कर हैं, और इनका कहना है कि 40-40 साल तक एक ही पार्टी के वर्कर रहे हैं, लेकिन पार्टी बिखरने से, पार्टी के दो टूक हो जाने से अब इन लोगों के सामने समस्या ये है कि इतने सालों तक वर्कर रहे हैं लेकिन पारिवारिक झगड़े की वजह से अब ये काफ़ी परेशान हैं। तो आज के सवाल आपके सामने हैं कि क्या चौटाला परिवार को एक हो जाना चाहिए। बड़ा सवाल ये है कि अगर चौटाला परिवार एक हो जाता है तो क्या हरियाणा में बीजेपी को टक्कर देने में सक्षम होगा। बड़ा सवाल ये भी है कि खाप पंचायतों ने प्रयास किया था कि इस पारिवारिक झगड़े को ख़त्म करवाया जा सके, लेकिन अब इस प्रयास पर बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस प्रयास के बदले में चौटाला परिवार एक हो पाएगा। हालांकि बादल परिवार के भी प्रयास यही हैं कि दोनों परिवारों को एक किया जाए, तो बड़ा सवाल ये है कि क्या दोनों परिवार एक हो पाएंगे।
और अगर दोनों परिवार एक हो जाते हैं तो क्या स्थिति बनेगी? क्या इनेलो और जेजेपी का गठबंधन होगा या दोनों एक ही पार्टी बन जाएंगे? तमाम सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और आज का मुद्दा आपके सामने है। हरियाणा में अगर बात की जाए तो इनेलो का इतिहास काफ़ी पुराना है। इनेलो एक बड़ी पार्टी है, लेकिन अब समस्या ये है कि इनेलो की बात की जाए या इनके पारिवारिक झगड़े की बात की जाए, कुल मिलाकर नतीजा ये निकला कि इस तमाम घटनाक्रम के बाद एक नई पार्टी उभरी जिसका नाम है जेजेपी। जेजेपी और इनेलो आज दो पार्टियां हैं। लोकसभा चुनाव के पहले से ही एक दूसरे पर तंज कसने वाली ये दो पार्टियां बन चुकी हैं। दोनों में एक ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन अक्सर एक दूसरे को अपने बयानों में निशाने पर लेते हैं। लेकिन अब खाप पंचायतों की तरफ से प्रयास किया गया है कि इन दोनों परिवारों को एक किया जाए। अजय सिंह और अभय सिंह चौटाला दोनों भाई हैं और दोनों के परिवार अब अलग अलग हो चुके हैं। और ये जो प्रयास है, इस पर सवाल ये उठता है कि क्या ये प्रयास सफल होगा, क्योंकि बादल परिवार भी यही प्रयास कर रहा है, खाप पंचायतें भी यही प्रयास कर रही हैं। लेकिन इसे राजनीतिक लिहाज से अगर देखा जाए तब सवाल यह है, कि क्या दोनों परिवार एक हो पाएंगे। गौतम है गुरुग्राम से, हमें फोन कर रहे हैं, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जी गौतम, बताइए क्या राय रखते हैं, क्या लगता है, क्या चौटाला परिवार एक हो सकता है, और अगर परिवार एक होता है तो क्या बीजेपी को टक्कर देने में सक्षम हो पाएगा? हेलो जी, अपनी राय दीजिए। मैं गुरुग्राम से रतनलाल बोल रहा हूँ। रतनलाल? अच्छा रतनलाल जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं, क्या राय रखते हैं? देखिए, पारिवारिक झगड़े द्वापर युग से शुरू हैं जी। कैरो पांडो भी सगे भाई थे। वर्तमान में भी यूपी में मुलायम परिवार में झगड़ा है जी, बिहार में लालू परिवार में झगड़ा है जी, यहाँ इस परिवार में झगड़ा है, इस परिवार में, इससे ऊपर पीढ़ी में भी झगड़ा रहा है जी। कुछ परिवार कांग्रेस में है, कुछ जिसको आप लोक दल कहते हैं उसमें है। इस सारे एपिसोड में ये नहीं पता लग रहा है सर्व जात के सर्व खाप का क्या रोल है। हरियाणा की जो पंचायतें थी वो कोई समाज के अंदर अपराध हो, कुरीति हो, दो गांवों का झगड़ा हो, रास्ते का झगड़ा हो, किसी पानी का झगड़ा हो, उस बात पर सड़क खाप पंचायत में हुआ करती थी। ये ठीक है, बड़े प्रतिष्ठित परिवारों के साथ कुछ आदमियों के व्यक्तिगत जुड़े होते हैं और वो अगर कोशिश कर रहे हैं तो उसको कोशिश करनी भी चाहिए, इसमें कोई बात नहीं। रही बात बीजेपी की, बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय सोच है, राष्ट्रीय उसके कार्य है, उनका पारिवारिक बातों से कोई मतलब नहीं है। और रहा सवाल जवाब का सवाल, क्षेत्रीय पार्टियों के साथ क्षेत्रीय मुद्दे जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने उससे लाभ उठाया, क्षेत्रीय कार्य करवाए, वही वोट है और वही वोट अब डिवाइड हुए हुए हैं। इस पार्टी के उपाध्यक्ष ने वर्तमान में इस्तीफा दिया, उसने जो जो प्रतिक्रिया दी है उस हिसाब से तो ये पता लगता है कि खाई जो है ना ज्यादा गहरी हो चुकी है और परिवार में एकता फिलहाल संभव नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रतनलाल जी, पूरा विश्लेषण हमारे सामने रखने के लिए। इस वक्त एक और कॉलर जुड़े हैं, जीन से ईश्वर इनका नाम है। जी ईश्वर जी, क्या राय रखते हैं, क्या लगता है, क्या चौटाला परिवार एक हो सकता है, क्या तस्वीर बनती नजर आती है? ऐसा है जी, जी पंचायतों का खाप के लिए इन्होंने शुरुआत की, अच्छी बात है जी। लेकिन मैं इन खाप पंचायतों से एक चीज पूछना चाहता हूँ, जो इनेलो के विधायक स्टेट लेवल के पदाधिकारी जो पार्टी को छोड़कर चले गए जी, उनको वापिस ला पाएंगे ये जी? अगर वो विधायक और पदाधिकारी अगर सारे पार्टी के अंदर वापिस होते हैं तो पार्टी मजबूत बनती है। और क्या ये इनको रास आएगी ये बात, जो इनेलो जेजेपी के वर्कर हैं, इनेलो के वर्कर हैं, उनको आपस में ये सुलटा पाएंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया ईश्वर जी हमें फोन करने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज का मुद्दा हमने आपके सामने रखा कि क्या चौटाला परिवार एक हो सकता है और अगर परिवार एक होता है तो क्या बीजेपी को टक्कर दे पाएगा। तमाम लोगों ने अपनी राय भी हम तक पहुंचाई। देखते रहिए खबरें अभी तक, फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।